आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, और इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 7 रुपये 70 पैसे, 7 रुपीज़ 70 पैसा। और इस शेयर ने पिछले जो 5 दिन हैं उनमें अच्छा खासा जंप देखने मिला है, और उससे पहले ये शेयर लगातार गिर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ इन 5 दिनों में, चलिए हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज के दिन ये ओपन हुआ था 7 रुपये 65 पैसे, यानी 7 रुपीज़ 65 पैसा, और इसने हाई लगाया था 7 रुपीज़ 90 पैसा, और ये लो लगाया था 7 रुपीज़ 55 पैसा। और आज की अगर हम इसकी न्यूज़ की बात करेंगे तो ये क्यों इतना भाग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6% जो ऑर्डर राइज आया है वो अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से, जो नया उनको बिज़नेस मिला है उसकी वजह से आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी शेयर राइज 6% ऑन ऑर्डर विन फ्रॉम अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से इन्हें वापस से ऑर्डर मिला हुआ है, उसी की वजह से ये जो शेयर है वो 5.89% जो है अप हुआ है, और 7.90 रुपीज़ तक जाके नीचे आया है अभी फ़िलहाल। और अभी सुजलॉन का कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो भी हल्का सा बूस्ट हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले का ऑर्डर था और उसी के साथ साथ नया ऑर्डर भी दिया हुआ है कंपनी ने, और कंपनी के पास पहले से ही ऑर्डर था यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कंपनी के पास पहले से ही ऑर्डर था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी जो 13 अगस्त 2023 तक ये ऑर्डर आप जो नया मिला है उसे कवर करके देना है, 2026.8 मेगावाट, इतना एनर्जी ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, और अभी एडिशनल और जो है नया टारगेट मिला हुआ है। और इसके साथ साथ अगर ये जो है जो ऑर्डर मिला हुआ अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसकी वजह से 2,432.55 करोड़ रुपीज़ का इस जून क्वार्टर का जो आएगा रिज़ल्ट आ सकता है प्लस के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ चलिए हम आपको इसके बारे में और बताते हैं शेयर के बारे में, कि इस शेयर में अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने परसेंट तक बढ़ सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी ये जो शेयर है, ये जो बिजनेस, ये जो कंपनी है, ये मेनली इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइंड टर्बाइन जनरेटर्स, जैसे कि पवन चक्की से जो है एनर्जी बनाना, और जो है नेचुरल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा कंपनी काम करती है, विंड एनर्जी पे वगैरह। और इस कंपनी का मार्केट कैप है 9,393 करोड़ रुपीज़, करंट प्राइस है 7.75 पैसा, और इस शेयर ने जो है हाई लगाया था 12 रुपीज़ का, और 2 वीक लो जो है वो 5.42 रुपीज़ का है। डिविडेंड फ़िलहाल नहीं देती है कंपनी, और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू से अच्छी पोजीशन पर ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू उसका माइनस हुआ है, और प्रमोटर होल्डिंग जो है 14.5% की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर डेप्थ भी अच्छा खासा है, लेकिन डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है अपना बिज़नेस ग्रो कर रही है और अच्छा रिज़ल्ट देने की तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोज और कॉन्स में दिखा रहा है कि कंपनी का जो है गुड क्वार्टर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और जो डेप्थ के डेज हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है। और अगर कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत ही लो है, और इसी के साथ साथ जो है प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी और लो भी है, ये भी मेन बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो ये कंपनी जो है आगे फ्यूचर में अच्छा खासा एक पोजीशन बना के दे सकती है। विंड एनर्जी सर्विसेज में बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए कंपनी को कर्ज़ा लेना ही पड़ता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैवेल्स इंडिया है, ABB, CG पावर एंड इंडस्ट्री, और इसी के साथ भील इंडस्ट्री भी है गवर्नमेंट कंपनी, हिताची एनर्जी है, और इन सब के साथ साथ सुजलॉन एनर्जी भी यहाँ पे है। और अगर हम इसके सेल्स की देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो शेयर सेल्स है वो बढ़ती ही गया है एक्सपेंसेस के साथ, एक्सपेंसेस धीरे धीरे करते कम भी हुए हैं और जो सेल है वो भी बढ़ती गई है। अदर इनकम सोर्सेज की भी बात करेंगे तो अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की और आ रहे हैं, और आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इसका जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों में भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी जो बूस्ट देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं
इसका जो CAGR है वो भी बेहतर तरीके से ग्रो हो रहा है धीरे धीरे करके। और यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है पहले से ही कर्ज़ में है, तो रिज़र्व के होने की कोई बात ही नहीं बन सकती। और कंपनी जो है अपना जो कैपिटल शेयर कैपिटल है वो बढ़ा रही है धीरे धीरे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी जो है अपना जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ा रही है। और इसी के साथ जो है एसेट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और इसी आप यहाँ पे लास्ट आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग पहले ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे करते करते कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम की है। इसका जो रीज़न था वो सिर्फ एक ही है कि कंपनी जो है अपने आप को बैलेंस अपना जो बैलेंस है वो क्लियर करते जा रही है। जो वहाँ पे उनका डेप्थ है वो डेप्थ कम करने के लिए कंपनी ने अपने प्रमोटर होल्डिंग कम की हुई है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी अगर प्रमोटर होल्डिंग अगर खुद की घटा रही है तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और दबा के माल उठा रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बने हुए हैं इस शेयर में, और पब्लिक के पास सिर्फ 65.31% का ही हिस्सेदारी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी जो है भरोसे के लायक है, आप इस पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अच्छा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव नाइस डे, थैंक यू सो मच।